हे गाइस, दिस इज बद्रु जमानुरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का फोर्थ पार्ट रहने वाला है। अगर आपने पहले के तीन पार्ट नहीं देखे तो जरूर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको पहले के तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। आई लिंक पे भी मैं आपको दे दूंगा। चलिए देखते हैं आज की हमारी टॉपिक क्या रहेगी। आज की हमारी टॉपिक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, क्या क्या टाइप्स के हैं, उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, मार्केट्स को आप समझ रहे हैं, तो ट्रेडिंग एक साइंस है। व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, ट्रेडिंग इज अ साइंस। जब आप ट्रेड कर रहे हैं, व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग इज एन आर्ट। जब आप कर रहे हैं, जो चीज आप समझे हैं उसको जब एग्जीक्यूट आप करते हैं तो वो आपकी एक कला बन जाती है। मार्केट क्या है, प्राइस क्या है, एक्चुअली ये एक फाइट है बायर्स और सेलर्स के बीच में। प्राइस बायर्स और सेलर्स के बीच का एक फाइट है। सेलर्स चाहता है कि प्राइस डाउन हो, बायर चाहता है कि प्राइस अप हो। तो दोनों के बीच की फाइट में जो एग्रेसिव होता है, मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। आपको वही साइंस को समझते हुए उस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना, ये एक कला है। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एग्जिट और माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब चीजों को मिलाकर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तब वो आपकी एक कला बन जाती है। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ट्रेडिंग मेनली चार या पांच टाइप की आप बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है सबसे छोटा सेशन, इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं उसी सेशन में उसी दिन हम उसको एग्जिट कर देते हैं। उसी दिन हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा उसी दिन होगा। ये होता है इंट्राडे ट्रेड। एक होता है बीटीएसटी ट्रेड, यानी कि आज हमने वो ट्रेड लिया, नेक्स्ट सेशन में, चाहे वो कल हो या जो भी हो दिन हो, नेक्स्ट सेशन में जब हम उसे एग्जिट करते हैं तो वो हमारा बीटीएसटी ट्रेड बन जाता है। फिर आता है स्विंग ट्रेड। जब मार्केट के ट्रेंड में हमें स्विंग मिलता है, चाहे वो नीचे का मिलो या ऊपर का मिलो, उस स्विंग को कैच करने को हम स्विंग ट्रेड कहते हैं, जो कि लगभग दो या तीन हफ्तों के बीच में हो सकता है। फिर आता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, कि हम माइनर ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसको देखते हुए हम एक ट्रेड लेते हैं, दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए, चार महीने के लिए, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस हिसाब से हम उसे लेंगे, वो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड। एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेड, जो कि मार्केट का मेजर ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से जो हम ट्रेड लेते हैं, छः महीने के लिए या एक साल के लिए या डेढ़ साल के लिए, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेड। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट होता है एक सेविंग्स का, कि हाँ मेरा ये बिजनेस है, मैंने उससे ये इतना पैसे कमाया हूँ, अब मुझे ये इन्वेस्ट सेव करके रखना है। तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप बैंक में रखेंगे, फिर आता है आपके पास कि आप एफडी में रखेंगे या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी तरह से मार्केट में आप स्टॉक्स लेके जो इन्वेस्ट करके रखते हैं, आपकी सेविंग्स को, आपका माइंडसेट सिर्फ सेविंग्स का, और उसके ऊपर कुछ, जैसे कि आप बोल सकते हैं दूध के ऊपर मलाई जो कहते हैं ना, वैसे टाइप का अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा भी लेना है, आपको इनकम के ऊपर आपको थोड़ा सा जनरेट करना है एक्स्ट्रा, तो उस माइंडसेट से आप जब स्टॉक लेके रखते हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आप उसको इन्वेस्टिंग में काउंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट क्या होता है कि ये मेरा बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है। चाहे आप छोटे मोटे ट्रेडर हो या बड़े ट्रेडर हो, आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपका माइंडसेट ये होता है कि आपको इस ट्रेड से कुछ इनकम चाहिए। इनकम से आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आपकी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये होती है ट्रेडिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक्स हम क्या बात करेंगे उसके ऊपर, फंडामेंटल्स पर या फिर टेक्निकल्स पर या डेटा पर, एनालिसिस पर, देखते हैं किस बारे में हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। तो चलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।